एयरपोर्ट पर यहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करना है। आपको बता दें कि ये 18 मीटर की ऊंची ये लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है, जो कि तांबे से बनी हुई है। ये मूर्ति महज 4 महीने में बनकर तैयार हुई है, जिसका अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य के मुखिया उनके साथ, योगी आदित्यनाथ, और काशी जैसे उनके घर जैसा प्रधानमंत्री के। और ऐसे में जब भी काशी वो आते हैं तो बेहद प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, और इस खुशी का इजहार कल ही उन्होंने ट्वीट करके कर दिया। और अपने पूरे कार्यक्रम के बारे में उन्होंने ट्विटर पर ही बता दिया कि किस तरह से वो काशी पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचने के बाद क्या क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो अब से बस थोड़ी देर में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का यहां पर अनावरण होगा। ये देखिए, यही से प्रतिमा का अनावरण होगा, और यहां पर 18 मीटर ऊंची तांबे से बनी हुई है ये प्रतिमा, जिसे महज 4 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। और भी कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के, और यहां बटन दबाकर देखिए किस तरह से इस प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक एयरपोर्ट के पास ये प्रतिमा बनाई गई है, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री बनने के बाद, दूसरी बार शपथ ग्रहण लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बनारस, और यहां पर देखिए अपने पहले जो उन्होंने चप्पल जो उन्होंने पहना हुआ था उसको पहले हटाया, और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया और आगे जाकर पुष्प अर्पण किया। तो हमारे जितने भी पूर्व नेता रहे हैं या फिर उच्च पदों पर वो लोग आसीन रहे हैं, जिन्होंने हमारी देश के लिए, हमारी धरती के लिए काफ़ी कुछ किया है, उन सभी को याद करते हुए, नमन करते हुए। और प्रधानमंत्री जब से बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से उनकी एक सोच रही है कि उन तमाम लोगों को याद रखना, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने हमारी धरती के लिए, भारत माता के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, त्याग और तपस्या। उन सभी को याद रखना ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य रहा है। और इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं इस विशेष कार्यक्रम में, इसके बाद एक फोटो सेशन जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर हैं, और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री राज्य के योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, और इसके बाद आगे का कार्यक्रम। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अब यहां से प्रधानमंत्री कहां जाएंगे ये जरा जान लेते हैं। अभिषेक, यहां पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है, अब इसके बाद प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम कहां होगा जरा ये बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतिमा अनावरण के बाद हरैया जाएंगे। हरैया एक गांव है, और उस गांव में एक सरकारी स्कूल है, और उसी सरकारी स्कूल में इनका बच्चों के साथ एक कार्यक्रम है, जिसमें वो बच्चों को पर्यावरण की सीख देंगे। उन्हें गार्जियन ऑफ ट्री का एक की बात कही जा रही है कि बच्चे जो हैं वो गार्जियन ऑफ ट्री होंगे। 5-5 पीपल के पेड़ दिए जाएंगे, और पूरे जो पंचकोसी परिक्रमा जो है पूरे मार्ग पर उसमें पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। तो 2,21,000 पेड़ इस पूरे पंचकोसी परिक्रमा पर लगाए जाएंगे। आज से उसकी शुरुआत हो रही है, और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, जहाँ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे।